हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वर्जिनिया वुल्फ की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल जिसका नाम है टू द लाइट हाउस वैसे तो वर्जीनिया वुल्फ ने जितने भी वर्क लिखे हैं वो सारे ही फेमस हैं और सब में कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट जो थ्योरी थी उनकी वो दिखाई देती है जैसे कि इनके कुछ मेन वर्क हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है जिनमें से हम काउंट कर सकते हैं मिसिस डेलोवे है फिर अरूम वंस ओन है टू द लाइट हाउस है ऑर्लैंडो है द वेव्स है और भी बहुत सारे वर्क हैं तो अरुम उफ वंस ओन ऑलरेडी आपने एम जी फाइव में पढ़ रखा होगा या फिर जितनी भी थ्योरी का पेपर होगा उसमें पढ़ रखा होगा तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू द लाइट हाउस टू द लाइट हाउस जो नॉवल थी ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन के टाइम पीरियड में जो कि उस टाइम का टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर टू होने वाला था तो जो उसकी सेटिंग रखी गई है वो वर्ल्ड वॉर वन से जस्ट पहले की रखी गई है और ये जो नावल है ये तीन सेक्शन में डिवाइड होती है जैसे कि फर्स्ट सेक्शन है द विंडो सेकेंड सेक्शन है टाइम पासिस एंड द थर्ड सेक्शन इज द लाइट हाउस तीनों जो सेक्शन है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखे गए हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो एक टर्म है जो कि क्वाइंट आउट करी थी विलियम जेम्स ने उनका एक वर्क था प्रिंसिपल्स इन साइकोलॉजी जो पब्लिश हुई थी एटीन नाइन्टी में उसमें इन्होंने इसको uh, क्वाइट आउट किया था तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है इसे इसको बोल सकते हैं हम कि एक टेक्निक है लिटरेचर में फॉर द डिपिक्शन ऑफ थाट्स एंड फीलिंग्स विच फ्लो क्योंकि स्ट्रीम का मतलब होता है नदी मतलब कि नदी का बहना और यहाँ पर बात हो रही है कॉन्शियसनेस की मतलब कि आपके थॉट्स का बहना तो जो पर्सन सोचता है उसके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं जो उसके थॉट्स होते हैं उन सभी चीज़ों का बहना क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यही हो जाता है तो हालांकि इसका जो यूज़ था सबसे पहले जेम्स जोस ने किया था यूलिस में लेकिन उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने इस आ, इस पैटर्न को इस तरीके को आगे फॉलो किया था अपनी नावल्स में तो टू द लाइट हाउस बहुत फेमस है तो इसमें कुछ मेन मेन कैरेक्टर हैं जैसे कि मिस्टर एंड मिसिज रैमसे हैं उनके आठ बच्चे हैं जिनके नाम यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर जो है इनके बच्चों में उसका नाम है जेम्स रैमसे नेक्स्ट है लिली ब्रूस जो लिली है वो एक पेंटर है नेक्स्ट है विलियम बेंगस ये भी वहीं पर इनके समय हाउस में रहने के लिए आया है इनका एक रिलेटिव uh, कह सकते हैं दो कैरेक्टर हैं पॉल रेले फिर है मिंटा टर्ल नेक्स्ट है चार्ल्स टेंसली और एक है ऑगस्टिस तो ये कुछ मेन मेन कैरेक्टर तो नॉवल स्टार्ट करते हैं नॉवल जैसे कि मैंने पहले बोला ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है थ्री सेक्शंस में डिवाइड है तो सबसे पहले सेक्शन जो है उसका नाम है द विंडो द विंडो जो है वो ओपन होता है सेक्शन जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन कि वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट हुआ था जस्ट उसके पहले से स्टार्ट होता है जहाँ पर मिस्टर एंड मिसिज रैमसे जो हैं वो अपने आठ बच्चों के साथ अपने समर हाउस में आए हैं जो उनका समर हाउस है वो हैब्रोडीज़ में है हैब्रोडीज एक आइलैंड है जो स्कॉटलैंड के वेस्ट एरिया में बसा हुआ है तो यहाँ पर वो आए हैं उनको कुछ होटल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एक अपना समर हाउस बना रखा है जहाँ पर वो हर वेकेशन पे हर समर वैकेशन पे आते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं अक्रॉस द बे वहीं पर एक लाइट हाउस भी है जहाँ पर उनका घर है ज़्यादा दूर नहीं है वो थोड़ा पास में ही है एक बड़ा सा लार्ज लाइट हाउस है अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो जेम्स है जेम्स रैम से जो इनका एक सन है वो जब नॉवल स्टार्ट हुई है इस पार्ट में वो सिक्स इयर्स का है तो वो सिक्स इयर्स का है और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट डेस्परेट तरीके से चाहता है कि वो लाइट हाउस घूम कर आए लाइट हाउस जा सके वो अपनी मदर से इस चीज़ की विल को जाहिर करता है तो जो मिस रैम से है वो उसे बोलती हैं कि दे विल गो गैद कि वो अगले दिन वहाँ पर जाएंगे साथ जाएंगे अगर वेदर जो है वो उन्हें परमिट करेगा परमिशन देगा इस बात पर जो उनके हस्बैंड हैं मिस्टर रैम से वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो वेदर है वो अच्छा नहीं दिख रहा है मतलब कि कल बारिश ज़रूर होगी तो इस चीज़ पर जो जेम्स है वो सोचता है कि जो उसके फादर हैं हमेशा ही उसके अगेंस्ट में रहते हैं कभी भी उसकी जो विश है उसे पूरी नहीं करते और कभी कभी तो उसे ये भी लगता है कि जो उसके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उसके सिबलिंग्स को मतलब कि उनके बच्चों को जो जेम्स हैं और उसके जो कज़न जो उसके सिबलिंग्स हैं उनको परेशान करने में अब जो रैमसे हैं मिस्टर एंड मिसिज रैमसे अपने ही घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हैं क्योंकि वहाँ पर वो अकेली उस समर हाउस में नहीं है बल्कि उनके कुछ बहुत सारे गेस्ट भी हैं उस समर हाउस में उनके कुछ रिलेटिव्स भी हैं जिनमें से जो चार्ल्स टेंसले है वो भी है चार्ल्स टेंसले जो है वो मिस्टर रैमसे का एक स्टूडेंट है जो वहीं पर रहता है वो एक फिलोसोफर है और वो रैमसे को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है क्योंकि वो उनका एक स्टूडेंट है तो वो अपने टीचर को एडमायर करेगा ही करेगा सी बात है उसी घर में लिली भी है लिली ब्रूस के लिली जो है वो एक पेंटर है जिसने अभी फर्स्ट सेक्शन में एक मिसिस रैमसे का एक पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि वो एक पेंटर है तो वो मिसिस रैमसे की एक पेंटिंग बनाने के लिए बैठी है स्टार्ट किया है उसने तो जो मिसे रैम से हैं वो चाहती हैं कि जो लिली है वो शादी कर ले विलियम बेंग से जो कि इनका एक पुराना फैमिली फ्रेंड है ओल्ड फैमिली फ्रेंड है लेकिन जो लिली है वो यहाँ पर अपनी विल को दिखाती है कि वो अभी सिंगल ही रहना चाहती है उसने अभी मैरिज के बारे में कुछ सोचा नहीं है तो जो मिसेज रे रेमजे हैं वो अरेंज करती हैं दूसरी मैरिज को क्योंकि उन्होंने लिली को बोला लेली ने मना कर दिया तो वो एक दूसरी इंसान को दूसरे कपल को सोचती हैं कि वो दोनों शादी कर लें और वो है पॉल रैली और मिंटा इन दोनों की वो सोचती हैं कि वो शादी करवा दें अब जब आ, आफ्टरनून हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर गए हुए हैं पिकनिक मनाने या फिर अपने समर वोकेशन को मनाने के लिए तो जो पॉल है वो मिंटा को प्रपोज कर देता है और दूसरी साइड दिखा रखा है कि जो लिली है वो अपनी पेंटिंग उसने बनानी शुरू कर दी है मिसिस रैमसे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं मिस्टर रैम से हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर दुखी हैं वो इसलिए क्योंकि वो एक फ़िलासफ़र बनना चाहते थे लेकिन उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है और वो हमेशा मिसि रैम से मतलब कि अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं कम्फर्ट के लिए जब उन्हें लगता है कि उनको सिम्पति चाहिए उसकी नीड है तो उसी इवनिंग में जो रैम से हैं मतलब कि मिस्टर एंड मिसि रैम से हैं वो दोनों एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं फिर डिनर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं डिनर पार्टी उसमें सब आते हैं उस टाइम पे जैसे कि पॉल और मिंटा दोनों की दोनों ही दोनों गए हुए थे वॉक पर बीच पर उनके दो बच्चों के साथ रैमसे के बच्चों के साथ तो जब वो वापस आ जाते हैं तो जो लिली है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस बात पे कि जो चार्ल्स टेंसले है वो बोलता है उसे कि जो वुमेन का वर्क है वो पेंट करना और लिखना नहीं है उसने बोला कि जो वुमेन है दिख कैन neither द पेंट और नॉर राइट तो इस चीज़ पे जो लिली है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये बिल्कुल ही गलत है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो वो उन्होंने फेमिनिज्म को शो किया है कि जहाँ पर वोमेन की पोजिशन को दिखाया जा रहा है मिस्टर रैमसे जो है वो बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं ऑगस्टिस से जो कि एक पोइट है क्योंकि उसने डिनर पार्टी में बैठ दो बार या तीन बार जो सूप की प्लेट थी उसे ऑर्डर कर दिया था अब बताया गया है कि जो जॉय है जो खुशी है वो भी पार्टी की तरह बीत जाती है हमेशा नहीं रह सकती है और जो मिसिज रैमसे हैं वो भी अपने गेस्ट को डिनर हॉल में छोड़कर अपने हस्बैंड के पास ऊपर चली जाती हैं वहाँ पर वो जाकर देखती हैं कि जो उनके हस्बैंड हैं वो बैठे हुए हैं दोनों चुपचाप चुप वहाँ पर बैठ जाते हैं अब जो मिस्टर रैमसे का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाला पोर्ट्रेट किया गया है कि वो अपनी वाइफ से सुनना चाहते हैं कि वो उसे प्यार करती हैं हालांकि उन्हें पता है वो करती हैं लेकिन वो फिर भी सुनना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो बोले कि शी लव्स है, लेकिन वह ऐसा बोलती नहीं है बल्कि इस चीज़ को हटाते हुए या फिर दूसरी चीज़ पे अपनी आ, इंटेंशन को डालते हुए कहती है कि उन्होंने सही बोला था मिस्टर रैमसे ने बिल्कुल सही बोला था कि जो वेदर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा लाइट हाउस जाने के लिए क्योंकि मौसम खराब हो रहा है अब जो मिस्टर रैमसे हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनकी वाइफ बोलेंगी कि वो उसे प्यार करती हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेकिन मिस्टर डैम से कह, सोचते हैं कि उन्हें पता है कि वो उसे प्यार करती है तो जितनी भी थाट प्रोसेस इसमें हो रही है कि उन्होंने क्या सोचा या फिर किसी और कैरेक्टर ने क्या सोचा तो वो सारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है कि जितने भी स्ट्रीम होती है थॉट्स की जितने भी हमारे कॉन्शियस थॉट्स होते हैं वो सारे उसी टेक्निक के अंदर आ जाते हैं इसके बाद एक ना एक रात बीत जाती है उसके बाद एक के बाद एक दूसरी तीसरी रातें ऐसे बीत जाती है बहुत सारी रातें बीत जाती हैं फर्स्ट जो सेक्शन uh, था द विंडोज वो यहीं पर ख़त्म होता है द विंडो में ये भी दिखा रखा है कि जो जेम्स है जो उनका बेटा है वो अपने टाइम पास के लिए जनरल देखता है जैसे कि नेवी के कुछ कैटलॉग होते हैं आर्मी के कुछ कैटलॉग होते हैं मैगजीन से फोटोज काटता है ये सब अपने टाइम पास के लिए करता रहता है अब सेकंड सेक्शन है टाइम पासिस तो जैसा इसका टाइटल है टाइम पासिस उसी तरीके से इस नावल के इस सेक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा तेजी से पास हो जाता है जो वॉर खत्म जो वॉर शुरू होने वाला था सेक्शन वन में वो दिखाया हुआ है सेक्शन टू में दस साल बीत चुके हैं इस सेक्शन में दस साल बीत जाएंगे कि जो वर्ल्ड वॉर वन था वो पूरे यूरोप में ख़त्म हो चुका है अब मिसिज रैम जो है उनकी डेथ हो चुकी है एक नाइट सडनली एंड्री रैमसे जो उनका सबसे बड़ा बेटा था ऑलड्रिट सन था Uh, उसकी भी डेथ हो गई है क्योंकि वो बैटल फील्ड में गया था वर्ल्ड वॉर वन के उसकी एक सिस्टर है मतलब कि प्र्यू जो है वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी है फ्रॉम एन इलनेस रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जब वो चाइल्ड uh, बर्थ दे रही थी या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उसकी डेथ हो जाती है अब जो फैमिली है क्योंकि इतना सब कुछ हो गया इन दिनों तो जो फैमिली है वो उस समर हाउस में दोबारा वैकेशन मनाने के लिए नहीं आई और जिसकी वजह से वो जो समर हाउस था उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई वीड्स जमने लग गए घास जमने लग गई गार्डन में और स्पाइडर्स के जो नेस्ट होते हैं जो जाले होते हैं पूरे घर में वो फैलने लग गए दस साल ऐसे ही बीत गए वो जो फैमिली थी वो वापस वहाँ पर नहीं आई अब एक वहाँ पे हाउसकीपर को उन्होंने रखा हुआ था जिनका नाम था मिसेस मैकनेप मिसेस मैकनेप वहाँ की हाउसकीपर हैं जो कि घर की मेंटेनेंस करती हैं उनके समर हाउस की तो वो कुछ औरतों को और बुला लेती हैं अपने साथ ताकि वो हेल्प कर क्योंकि उन्होंने भी उस घर की देखभाल करना छोड़ दिया था बीच में पूरे दस साल बीत गए थे लेकिन अब जब उन्हें पता चलता है कि जो मिस्टर रैमसे हैं वो अपने बच्चों के बाद इस बार फिर से समर हाउस में आएंगे तो वो कुछ औरतों को बुलाती हैं अपनी मदद के लिए ताकि वो जो घर है उसको फिर से ऑर्डर में ला सके सही कर सकें अब जो इसी सेक्शन में दिखाया गया है कि जो लिली थी जो कि एक पेंटर थी वो भी इसी समर हाउस में फिर से लौट कर आई है अब यहाँ पर ये सेक्शन जो सेकंड था टाइम पासिस वो ख़त्म होता है बहुत छोटा सा सेक्शन है पर इसमें दिखा रखा है कि जो टाइम है बहुत जल्दी पास हो गया दस साल का इसमें गैप दिखा रखा है कि दस साल बीत गए अब थर्ड सेक्शन जिसका नाम है द लाइट हाउस जिसके नाम पर टाइटल का भी नाम पड़ा हुआ है मेनली ये सेक्शन फिर से शुरू होता है जो टाइम है वो फिर से धीरे धीरे चलने लग जाता है जैसे फर्स्ट सेक्शन में टाइम बहुत स्लो चल रहा था पार्टी दिखा रहे हैं लाइट हाउस की बातें हो रही हैं मैगजीन की बातें हो रही हैं उसी तरीके से थर्ड सेक्शन भी जो है वो स्लो डिटेलिंग दिखाता है टाइम की और जो सेम टू सेम इसका स्टाइल भी है द विंडो की तरह फर्स्ट सेक्शन की तरह मिस्टर एम से जो है उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल गया है और वो डिक्लेयर करते हैं कि वो जेम्स और कैम उनकी एक डॉटर है कैम वो सारे जाएंगे लाइट हाउस देखने के लिए क्योंकि वो भी समर हाउस में आ चुके हैं दस सालों के बाद अब जब सुबह हो जाती है वो जाने वाले होते हैं तो उनका जो मूड होता है थोड़ा ख़राब होता है तो वो जाते हैं लिली के पास सिंपत्ति के लिए जैसे कि मैंने फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि जब भी उन्हें सिंपत्ति की जरूरत होती है तो वो अपनी वाइफ के पास जाते थे और वो उन्हें काम करती थी उन्हें सिंपत्ति दिखाती थी लेकिन अब मिसिस रैमसे की जो डेथ हो चुकी है तो वो अपना जो कम्फर्ट है वो कहीं और ढूंढ रहे हैं तो लिली उन्हें कम्फर्ट देती है लेकिन वो उन्हें वो नहीं प्रोवाइड कर पाती जो मिसि रैमसे करती थी वैसी सिंपत्ति नहीं मिल पाती है तो उनका जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा बदल गया है एकदम से तो जिसकी वजह से इनके जो बच्चे हैं कैम और जेम्स है वो सोचते हैं कि इनके फादर बेवजह ही उन्हें एम्बेज करते हैं सेल्फ पिटी गेन करते रहते हैं अब वो तीनों मतलब कि मिस्टर रैम से उनके उनकी, उनकी डॉटर कैम और उनका जो सन था जेम्स वो जाते हैं टू द लाइट हाउस में लेकिन जो जेम्स है वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि जब फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ था जेम्स जस्ट सिक्स इयर्स का था उस टाइम पे जो उसकी लॉन्गिंग थी वो डिफरेंट थी और जब थर्ड सेक्शन आ चुका है दस साल बीस साल बीत चुके हैं तो इसकी जो लॉन्गिंग है वो वो नहीं बची है वो लाइट हाउस नहीं जाना चाहता है लेकिन फिर भी वो अपने फादर की विल को रखता है और वहाँ पे चले जाते हैं रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो जेम्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो बोट है उसे सेल करता है वो एक अच्छा सेलर है तो जिस चीज़ को देखते हुए मिस्टर रैम उसे प्रेज करते हैं लाइफ में पहली बार उसे प्रेज करते हैं तो जो जेम्स है उसे कहीं ना कहीं अपने फादर के टूवर्ड्स उसका जो कनेक्शन है वो लगता है कि थोड़ा ठीक हो रहा है क्योंकि अब तक वो अपने फादर को पसंद नहीं करता था हेट्रेट का फीलिंग था उसका लेकिन अब जो है वो दोनों आपस में कनेक्शन फील करते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो जब वो पहुँच जाते हैं लाइट हाउस में तो मिस्टर डैमसे जो है वो सोचते हैं कि उनके जो वाइफ थी मिसेस रैम उनकी विल थी वो चाहती थी कि वो जेम्स को लाइट हाउस लेकर जाएं उसे घुमाएं तो वो विल उन्होंने अपनी वाइफ की आज पूरी कर दी है वो जेम्स को लाइट हाउस लेकर आ गए हैं और दूसरी तरफ दिखा रखा है जो लिली लॉन में बैठी हुई थी पेंटिंग को फिनिश करना चाहती थी दस साल पहले जो उसने पेंटिंग शुरू करी थी मिसिस रैमसे की वो अधूरी छूट गई थी क्योंकि समर हाउस में फिर से कोई आया नहीं तो वो वापस जब आती है तो वो उस पेंटिंग को दोबारा से स्टार्ट करती है और इस बार उसने उस पेंटिंग को पूरा कर दिया है वो अपने ब्रशेस को रख देती है और वो देखती है कि उसने अपने विजन को जो उसने सपना देखा था उस सपने को उसने पा लिया है पूरा कर दिया है और यहाँ पर यह जो नावल है वो ख़त्म होती है इसमें बहुत सारे सिंबल दिखा रखे हैं सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा दिखा रखा है कि जो भी कैरेक्टर कुछ भी सोच रहा है एक्स्ट्रा वो सारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाएगा लिली जो पेंटिंग बना रही है लिली का जो कैरेक्टर है वो और जो उसका विजन है वो फेमिनिस्ट के प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं क्योंकि उसने सोचा कि वो पेंटिंग बनाएगी हालांकि जो चार्ल्स टेंसले था वो उनसे मना करता है कि वो नहीं कर सकती है लेकिन लास्ट में उसने दिखाया कि वो पेंटिंग बना सकती है उसने पेंटिंग को कम्प्लीट कर दिया लाइट हाउस का भी सिंबल है लाइट हाउस होप को सिंबलाइज करता है हर एक पर्सन की जो जो लाइफ है उसमें लिली की जो पेंटिंग है वो स्ट्रगल को दिखाती है अगेंस्ट जेंडर कन्वेंशन के उस टाइम पे जो जेंडर कन्वेंशन थे उनके अगेंस्ट में उसने कैसे किया उसका जो उसकी जो पेंटिंग है वो रिप्रेजेंट करती है डेडिकेशन टू अ फेमिनिस्ट आर्टिस्टिक विजन तो ये नावल यहाँ पर ख़त्म होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग नावल थी एंड वन मोर थिंग अगर किसी को इससे रिलेटेड एम सी क्यू चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी आप लिंक से चेक कर सकते हैं विच इज़ गिवन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो